नहीं बचती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग अलाप, दुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, सिर्फ अव्यक्त सा शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। तो पढ़ते देखो, जब भी किसी अप्सरा किसी परी की तुलना की जाती, परी तो नहीं लेकिन अप्सरा की तुलना की जाती है, तो उसके हाथों में वीणा, पैरों में पायल, छन छन बजती हुई, ये सब कल्पना के अंग रहते हैं। लेकिन ये जो संध्या सुंदरी उतर रही है, ये दूसरी अप्सराओं की तरह नहीं है। न तो इसका आंचल लहरा रहा है, न इसके चेहरे पर मुस्कान है, न इसका आलस्य से भरी हुई है, नृत्य का तो कहीं नाम ही नहीं है, ऊपर से इसके हाथों में कोई वीणा भी नहीं है। मतलब किसी भी प्रकार का ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे ये प्रसन्नता, खुशी, पार्टी, त्योहार, इस तरह के संकेत दे रही हो। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा। अब सराय आती हैं तो संगीत का माहौल बन जाता है, है ना, नृत्य का माहौल बन जाता है, पर इसके हाथों में कोई किसी तरह की वीणा नहीं बज रही। यहाँ तक कि नहीं होता कोई अनुराग राग अलाप। अनुराग मतलब होता है प्रेम, राग मतलब होता है संगीत वाला राग, और अलाप मतलब भी जो तान लेते हैं लोग सारे ये वाला। तो इस तरह की कोई भी चीज इस संध्या सुंदरी के साथ घटित नहीं हो रही। न इसके हाथों में वीणा है, न किसी तरह का प्रेम ही इसके चेहरे पर दिखाई दे रहा है, न किसी तरह का राग, न किसी तरह का अलाप, सिर्फ अगर कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। यहाँ तक कि इसके नुपुर, नुपुर मतलब होता है पायल, जो पायल के घुंघरू है उनमें भी छन छन या रुंझुन रुंझुन नहीं है। चारों तरफ सिर्फ एक ही चीज सुनाई दे रही है, एक अव्यक्त शब्द। अव्यक्त का मतलब होता है अनएक्सप्रेस्ड, मतलब ऐसा शब्द जो कोई बोल नहीं रहा है लेकिन सुनाई चारों तरफ दे रहा है, वो शब्द है चुप चुप चुप। कभी घोर सन्नाटे में खड़े होके महसूस होता है कि कोई एक आवाज है जो आ रही है ना, कोई भी आवाज ऐसी रहेगी आ रही है, लेकिन जैसे ही वहां से निकल के कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो हम लोगों को एहसास होगा कि वहां वो आवाज थी। सन्नाटे में ऐसा लगता है कि एक ही शब्द सुनाई दे रहा है, चुप 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 पूरे। अच्छा, ये हो गई इसकी कल्पना। रियलिटी में क्या है? रियलिटी यही है कि शाम के समय में लोग अपने घरों को जा चुके हैं, जिन लोगों को आराम करना था वो आराम, या खाने का जिनको इंतजाम करना था वो खाने के इंतजाम में लगे हुए हैं, लेकिन जो जगह हैं, जो स्थान है, जो आसपास की स्थान है, वो सारे लगभग बिल्कुल खाली हो चुके हैं। चारों तरफ शांति ही शांति दिखाई दे रही है, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा दिखाई दे रहा है, या सुनाई दे रहा है। सन्नाटा दिखाई नहीं देता, सन्नाटा भी सुनाई ही देता है ना। जो चीज सुनते हैं वो भी सुनाई देता है, और जब कुछ नहीं सुनते तो वो भी सुनाई, क्या सुनाई दे रहा, सन्नाटा सुनाई दे रहा है। इसीलिए जो शोले में काका था इतना सन्नाटा क्यों था, वो अंधा था, वो देख नहीं सकता था, तो सन्नाटा दिखाई नहीं दे रहा था, सन्नाटा उसको सुनाई दे रहा। सुनते हैं तो वो भी सुनते, जब कुछ नहीं सुनते तो उसको भी बोला जाता कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो सन्नाटा सुनाई दे रहा था। तो एक ही शब्द चारों तरफ गूंज रहा है, चुप चुप चुप। इस तरह से ये छोटा सा स्टेंजा था, ये हो गया। इसमें से किसी को कुछ पूछना हो तो जल्दी से पूछ लो। नुपुर मतलब घुंघरू। नेक्स्ट आते हैं, देखो अगला जो पढ़ेंगे पंक्तियां, इनमें कवि ये बताएगा कि ये जो शब्द अव्यक्त शब्द, अव्यक्त मतलब अनएक्सप्रेस, जो कोई बोल नहीं रहा पर सुनाई हर जगह दे रहा है, ये शब्द कहां कहां पर सुनाई दे रहा है। सिर्फ जगहों के नाम है, उन जगहों के नाम पर, जहां जहां जगह का नाम ले रहा है उस हर जगह पर एक ही शब्द सुनाई दे रहा है, चुप चुप चुप। तो एक बार रीड करते हैं, देखो कि कहां कहां सुनाई दे रहा है। व्योम मंडल में, जगती तल में, सोती शांत सरोवर पर, उस कमल कमलिनी दल में, सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में, धीर वीर गंभीर शिखर पर, हिमगिरी अटल अचल में, उत्ताल तरंगा घात प्रलय घन गर्जन जल्दी प्रबल में, क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप। तो इतनी सारी जगहों पर सिर्फ एक ही शब्द सुनाई दे रहा है, चुप चुप। अब मीनिंग देख लेते हैं कि कहां कहां है। सबसे पहले व्योम मंडल में, व्योम मंडल का मतलब आकाश, आकाश में एक ही शब्द सुनाई दे रहा है, चुप चुप चुप। दूसरा जगती तल में, जगती तल मतलब धरती पर,
धरती पर भी यही शब्द सुनाई दे रहा है। तीसरी बार, तीसरी जगह सोती शांत सरोवर, एक नदी नहीं सरोवर तालाब, एक सरोवर है, उस सरोवर का जो पानी है वो बिल्कुल ठहरा हुआ है, उस ठहरे हुए पानी के सरफेस पर भी यही शब्द सुनाई दे रहा है। अच्छा, यहां सरोवर का भी मानवीकरण है, क्योंकि सरोवर सो नहीं सकता, शांत नहीं हो सकता, लेकिन यहां सरोवर शांत है, सो रहा है, इसीलिए उसका भी मानवीकरण मान लिया जाएगा। सोता तो नहीं है, सोना वर्ड इंसान के लिए होता कि तालाब के लिए, इंसान सोता है, तालाब कैसे सोएगा, तो इसीलिए यह भी मानवीकरण है। अच्छा, उसी तालाब के किनारे पर सफेद कमलिनी, कमल की फीमेल होती है कमलिनी, जो कमलिनी फूल है उनका एक ग्रुप, उनका एक दल तालाब के किनारे पर उगा हुआ है। ध्यान देंगे, कमल नहीं है, कमलिनी है, और ऊपर से व्हाइट कमल है, व्हाइट लोटस, जो कमल फूल होता भाई, अमल मतलब सफेद, तो जो सफेद फूलों का एक समूह उगा हुआ है, जो सफेद फूल खिले हुए हैं, उन फूलों के बीच में भी यही शब्द गूंज रहा है। मतलब सरोवर में और कमल के फूलों के बीच में चारों तरफ सन्नाटा है। वहीं पर एक नदी है, यह नदी जो है ऐसा लगता है कि सौंदर्य गर्विता है। सौंदर्य गर्विता मतलब होता है एक ऐसी स्त्री जिसको अपने सौंदर्य पर बहुत गर्व हो, तो ये जो नदी है ये ऐसा लगता है कि अपने सौंदर्य पर बहुत गर्व करती है। सौंदर्य गर्विता सरिता, सरिता मतलब नदी। उस नदी का जो सरफेस है, सरफेस के लिए वर्ड यूज किया गया है वक्ष स्थल, और उसके पहले वर्ड है विस्तृत, विस्तृत मतलब फैला हुआ। नदी का जो फैला हुआ सरफेस है, जो तल है, उस पर भी यही शब्द सुनाई दे रहा है, चुप चुप चुप। नदी से निकलकर फिर आगे बढ़ते हैं, धीर वीर गंभीर शिखर, शिखर मतलब चोटी, हिमगिरी मतलब हिमालय, हिमालय की चोटी जो कि पूरे बर्फ से ढकी हुई है, जो अटल है, अचल है, उस जगह भी एक ही शब्द सुनाई दे रहा है। मतलब कि हिमालय की चोटियों में, हिमालय की बर्फों से ढकी चोटियों में भी यही सन्नाटा छाया हुआ है। उत्ताल तरंगा घात प्रलय घन गर्जन चल दी प्रबल में, उत्ताल तरंगा घात, उत्ताल मतलब जो है बड़ी लहर, सॉरी उत्ताल मतलब बड़े बड़े विशाल, तरंगा घात मतलब होता है लहरें, प्रलय मतलब होता है पानी का ऊपर उठना, डुबो देना, उसको प्रलय बोलते हैं। घन गर्जन, घन मतलब घनघोर, गर्जन मतलब गरजना, जल्दी मतलब होता है समुंदर, तो समुंदर की लहरें जो ऊंची ऊंची उठ रही हैं, गिर रही हैं, दिन भर लहरें उठ रही थी, गिर रही थी, लेकिन उन लहरों के बीच भी अब शांति आ गई। कभी शाम के समय में समुद्र के किनारे जाके देखो, लहरें रहेंगी, लहरों की आवाज आएगी, लेकिन फिर भी बड़ी शांति महसूस होगी, लगेगा कि समुद्र भी जो है वो शांत हो गया। अलग अलग जगह का अलग अलग समुद्र रहता है, कई जगह समुद्र जो उग्र रहता है और कई जगह शांत समुद्र भी रहता है। उत्ताल तरंगा घात प्रलय घन गर्जन जल्दी प्रबल में, क्षिति में, क्षिति मतलब होता है क्षितिज, क्षितिज मतलब होराइजन, होराइजन मतलब जहां धरती और आकाश मिलते हैं वहां, जल में, नभ में, अनिल मतलब हवा, अनल मतलब आग। तो वापस एक लिस्ट हम बता रहे हैं, देखना कहां कहां, आकाश में, धरती पर, सरोवर में, कमल के फूलों के बीच, नदी के वक्ष स्थल में, हिमगिरी की चोटियों पर, समुद्र में, आकाश में, जल में, नभ में, क्षितिज पर, हवा में, पानी में, सॉरी आग में, हर जगह एक ही शब्द सुनाई दे रहा है, चुप चुप चुप। है गूंज रहा सब कहीं और क्या, कुछ नहीं, चारों तरफ यही एक शब्द गूंज रहा है, चुप चुप, इसके अलावा और कोई शब्द जो है यहां सुन। मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सहसने प्याला एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृत के वह अगणित मीठे सपने। मतलब ये हुआ कि जैसे ही कवि की कल्पना, पहले कल्पना ये है कि जो संध्या सुंदरी आकाश से उतर रही है, उसके हाथों में एक सुराही है,
एक मदिरा का एक बोतल बोल सकते हैं या सुराही बोल सकते हैं, और जितने भी लोग उसको मिलते हैं उनको वो एक एक प्याला मदिरा मतलब शराब जो वो पिलाते हुए आ रही है। ये हुआ शाब्दिक इसका। रियलिटी में क्या है, रियलिटी वही पुरानी कि जैसे ही संध्या आती है जैसे ही शाम होती है लोगों पर आलस्य छा जाता है, नींद की एक खुमारी नींद का एक प्रभाव लोगों के ऊपर दिखने लगता है, काम काज से थके हुए लोग कहां कैसे जल्दी सो जाएं, कितना जल्दी आराम करने को मिल जाए इसकी तलाश में लगे रहते हैं। तो रियलिटी में लोग थके हारे सो रहे हैं पर कवि की कल्पना में उसको ऐसा लगता है कि ये मदिरा इस संध्या सुंदरी ने सबको पिला दी है। अच्छा, प्याला एक पिलाती सुलाती उन्हें अंक पर अपने, अंक मतलब गोद, फिर लोग जाकर सोते हैं, ये असलियत है। कवि की कल्पना में क्या है कि ये जो संध्या सुंदरी है ये सब लोगों को अपनी गोद में फिर सुलाती है, और सिर्फ सुलाती नहीं है दिखलाती फिर विस्मृत के वह अगणित मीठे सपने, और फिर उन लोगों को भविष्य के अच्छे मीठे सपने दिखाती है। जो लोग भूल चुके हैं, जो सपने देखना छोड़ चुके हैं, जो दिन भर थके हार के अपने भविष्य को भूल गए थे, अब उनको भविष्य के बारे में सपने देखने का अवसर मिला, तो ये संध्या सुंदरी उन्हें अपनी गोद में सुलाकर भविष्य के मीठे सपने दिखलाती है। विस्मृत मतलब भूले भटके हुए, जो भूल चुके हैं वैसे। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जबली। अच्छा, ये जो संध्या सुंदरी आई है ये चली भी जाती है। अब सवाल ये है कि चली कब जाती है, तो जब आधी रात हो जाती है तो संध्या चली जाती है ना, रात आते ही शाम चली जाती है। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, अर्धरात्रि आते ही ये शाम, ये संध्या सुंदरी है ये लीन हो जाती है। लीन मतलब वैनिश, गायब। कवि का बढ़ जाता अनुराग, लेकिन जो कवि हृदय का व्यक्ति है, जो इस संध्या सुंदरी पर मोहित हो गया था, हृदय राज्य की रानी उसको बना लिया था, उसका अनुराग, अनुराग मतलब होता प्रेम, उसके प्रति और ज्यादा बढ़ जाता है। विरहाकुल, विरहाकुल शब्द का अर्थ होता है विरह से आकुल, विरह से आकुल तत्पुरुष समास, व्याकुल विरह से आकुल मतलब विचलित या बेचैन, विरह मतलब जुदाई, तो जुदाई से बेचैन, कमनीय कंठ से, कमनीय मतलब सुरीले कंठ मतलब गले, और फिर कवि जो है वो अपने सुरीले कंठ से उस संध्या सुंदरी के लिए कुछ गाता है, और जो गाता है उसका नाम है विहाग। आप निकल पड़ता तब एक विहाग, विहाग जो है वो संगीत की एक कैटेगरी है, संगीत का एक प्रकार है। जैसे हम लोग पुराने समय में सुनते थे ना अलग अलग रागों के बारे में, जैसे दीपक राग होता था, गाने से दीपक जल जाते थे, एक मेघ राग होता था मल्लाह राग है ना, गाते थे तो बादलों से बारिश होने लगती थी, ये सब ये अलग अलग राग होती है ना, तो वैसी एक राग होती है विहाग जो रात के समय में गाया जाता है। क्या चीज कहा जाता है सब पुराने गाने, तो उसको मल्लाह राग कहते हैं, एक को दीपक राग बोलते हैं, तो वैसे ही एक होता है विहाग। विहाग मतलब ऐसा संगीत, ऐसा गीत जो आधी रात्रि को गाया जाए। परिमल से, परिमल जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक पुस्तक है, उस पुस्तक में कई सारी कविताओं का संग्रह है, उन कविताओं में से एक कविता है संध्या सुंदरी, तो ये परिमल से ये कविता जो है वो ली गई है। इस तरह कविता हो गई खत्म, कवि के प्रेम से ही कविता शुरू हुई थी और कवि के विहाग से या कवि के जो विरह है जुदाई है उस पे आकर कविता जो है वो खत्म। इस तरह हम लोगों ने